ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची आप लोग, उम्मीद करता हूं आप मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष, आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइस, अभी आपने प्रीवियम वीडियो देखा, तो दोस्तों इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग के लिए जो XML एप्लीकेशन का यूज होगा या फिर सारे मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन भी कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से आसानी से मिल जाएगा। अभी के लिए सिंपली LiteMotion एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। LiteMotion एप्लीकेशन ओपन करने के बाद गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कर लेना होगा, सबसे पहले आपको XML को यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे XML ऐड कर रखा है, तो मैं सिंपली इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे चीज़ आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फोन थोड़ा कभी कभी यहाँ पे लेग भी करता है, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ बैकग्राउंड अप और बैकग्राउंड डाउन दिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड अप पे क्लिक करते हैं, कलर एंड फील्ड में जाएंगे, देन यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे बैकग्राउंड अप को, ठीक है, ऊपर वाले को सिंपली प्लस कर देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया, देन स्क्रीन पे टैप कर देंगे, बैकग्राउंड डाउन जो है इसे भी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कलर एंड फील्ड पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये डाउन वाला इसे सेलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे, यहाँ पे ऐड हो गया। अब गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो फ़ोन थोड़ा सा लेग भी करते रहता है, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे सॉन्ग भी एक्सट्रैक्ट आपको कर लेना है वीडियो से, मैं इस सॉन्ग को यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सॉन्ग अभी काम नहीं करेगा। अब गाइस, ऊपर की तरफ आइएगा तो आप सप्ले इसे और इसे हाइड कर देते, ठीक है, इसे फ़ोन थोड़ा सा फ्री काम करेगा। अब गाइस, यहाँ पे दुर्गा माँ PNG जो है इसे भी अभी आप छोड़ दीजिएगा, ऊपर में एक PNG लिखा हुआ है इस पर क्लिक कीजिए, कलर एंड फिल पे क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट मीडिया कर लीजिएगा और ये वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लीजिएगा, अगर स्क्रीन पे टैप कर लीजिएगा, करने के बाद ऊपर जहाँ तक भी PNG आपको देखने को मिल रहा है सबको सिलेक्ट करके रिप्लेस करना है, तो सबको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप सिंपली जितना भी PNG लिखा हुआ है सबको आप सिलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा का सारा PNG ही है, तो इसे आप सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, ये वाली ऑप्शन टैप कर देना है, देन जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, पेस्ट स्टाइल का जो एरो है इस एरो पर क्लिक कीजिएगा, सबको यहाँ से डिसेबल कर दीजिएगा और इसे पेस्ट कर दीजिएगा, तो जितना भी आपका जो ये लेयर था सब में पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे फ्लावर 8 लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली एक बार बैक करना है और फ्लावर 8 को सिलेक्ट कर लेना है, देन कलर एंड फील पे क्लिक करके यहाँ से आपको दूसरा वाला ये वाला जो है इसे सिलेक्ट करके और प्लस कर देना है, फिर यहाँ से इसे आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी लेयर कर लीजिएगा, स्क्रीन पर टैप कर दीजिएगा, इसके बाद यहाँ से 1 से जो लिखा हुआ है 1 यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा, सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जितना भी था सबको सिलेक्ट कीजिएगा, ये वाली ऑप्शन टैप करके पेस्ट स्टाइल वाले एडो पे क्लिक कीजिएगा, सबको डिसेबल करके यहाँ से पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है, ये भी पेस्ट हो गया। अब ऊपर की तरफ आएंगे तो रोज 2 ये सॉरी एक थो इसमें सिलेक्ट हो गया, इसे हम बैक करेंगे तो सही नहीं होगा, चलिए इसे हम बैक कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे रोज 1 जो है इसमें सिलेक्ट हो गया था, कोई बात नहीं, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इसे भी हम रिप्लेस करेंगे, रोज को सिलेक्ट कीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा और इसी को कॉपी भी कर लेते हैं यहाँ से, वैसे तो ज़्यादा नहीं, आप रिप्लेस डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो ये दोनों को भी सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाले ऑप्शन टैप करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके सबको डिसेबल करके यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है, रोज भी हो गया। अब आप लॉन्ग ट्री देखेंगे तो इसे सिलेक्ट कर लीजिए कलर एंड फिल पे क्लिक करके, और यहाँ से आपको बड़ा वाला जो ट्री है देख सकते हैं इसी को आपको प्लस कर देना है, ठीक है, स्क्रीन पे टैप कर लीजिएगा। अब गाइस, यहाँ पे सेंटर फ्लावर दिख रहा है, लेफ्ट फ्लावर दिख रहा है, राइट फ्लावर दिख रहा है, तो इसमें भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे लीफ दिख रहा है, ट्री रूट दिख रहा है, तो इस सब में आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको सेंटर फ्लावर पे क्लिक करके प्लस करना है यहाँ से, और गाइस यहाँ पे आपको ले लेना है ये वाला फ्लावर, ठीक है, और प्लस कर देना है, फिर स्क्रीन पे टैप कीजिएगा और इसे भी मतलब कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या फिर एक एक को ही यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर वाला फ्लावर जो है इसे ले लीजिएगा सिर्फ इसी को, ठीक है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे तीनों में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लीफ फ्लावर PNG, ठीक है, ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे लीफ PNG जो है इसे आपको सेलेक्ट करना है, तो इसे सेलेक्ट करते हैं और कलर एंड फिल पे जाकर यहाँ से सिंपली आपको ये वाले को सिलेक्ट करके प्लस कर देना है, देन नेक्स्ट वाले को भी सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे भी इसे रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस कर दिए, तो ये दोनों यहाँ पे देख सकते हो गया। अब यहाँ पे ट्री रूट जो देख रहे हैं तो इसे आपको लेना है, ठीक है, तो सिंपली इसे सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे और यहाँ पे इसमें ये 3 ठो है, इसमें से कोई सा भी एक ठो सिलेक्ट करके प्लस कीजिएगा
और चाहे तो इसी को आप रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आपको तीन ठो मिला है तो तीनों जगह पे अलग अलग को ले सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे थर्ड वाले को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब तीनों को मैंने अलग अलग जगह पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अगर स्क्रीन पे टैप करेंगे, अब गाइस यहाँ पे ट्री आपको दिख रहा होगा तो ट्री को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से फील में ही जाना है और ये वाला ट्री आप देख सकते हैं, इसे सिलेक्ट करके प्लस कर दीजिएगा। इसी को कॉपी कर लेते गाइस। कॉपी करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों ट्री को सिलेक्ट कर लेंगे और ये वाली ऑप्शन टैप करके पेस्ट स्टाइल पर क्लिक करके सबको डिसेबल करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा ट्री भी सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे PNG लिखा हुआ, उस PNG पे क्लिक करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे और ये वाली ऑप्शन टैप करके यहाँ से आपको ये वाला जो देख सकते हैं, जो लत्ती बोल सकते हैं या जड़ बोल सकते हैं, तो इसे यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा। अभी तक का हमारा कंप्लीट हुआ, बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ गाइज, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, तो एक सेकेंड, ये वाली ऑप्शन टैप करके कैमरा को इनेबल कर दीजिएगा। अभी आप देख रहे हैं तो यहाँ पे सब चीज़ आपको सही से नहीं दिख रहा है, तो कैसे दिखेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे आ जाना है, यहाँ पे नीचे आ जाइएगा, दुर्गा माँ PNG जो लिखा है इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर एंड फिल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से एक दुर्गा माँ का PNG ले लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे आप उसे लेकर प्लस कर लीजिएगा। इसी का एक थोड़ा डुप्लीकेट कर दीजिएगा, जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा। अब नीचे वाला जो है इसे सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइएगा और इसे इनेबल कर दीजिएगा। अभी अगर आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे हमने ये तीनों को यहाँ पे हाइड कर रखा है, तो तीनों को अनहाइड कर दीजिएगा। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बट इसमें आपको HDR इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है, 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर यहाँ पे आप चाहे तो जूम भी कर सकते हैं, एडिट से आपके मदद से वाई को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे ये जो लाइन था सर्कल ये नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ से बैक आइएगा, बैक आने के बाद इसे पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा, इसे सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से इसे लास्ट तक कर लीजिएगा। करने के बाद आप स्टार्टिंग में आ जाइएगा, पूरा स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग में आ जाइएगा। आने के बाद मूवी ट्रांसफॉर्म में जाइएगा और यहाँ पे गई आपको क्या करना है, जेड वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से कीजिएगा इस तरह से, तो ये जो शेप है सबसे ऊपर जब आ जाए कुछ इस तरह से, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे की लगा लीजिएगा। की लगाने के बाद अब आप लोग को लास्ट में चले जाना है, यहाँ पे लास्ट में चले जाना है, यहाँ पे की लगाना है। की लगाने के बाद इसके बाद इसे भी आपको जूम करते हुए ऊपर लेकर आ जाना है, मतलब नीचे की तरफ कीजिएगा। ओ सॉरी, ये तो ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा डाउन करते हैं, तो 1100 के आसपास में रहता है, तो ये आ जाता है यहाँ पे, हाँ देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा और डाउन करके देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगर हम दोनों साइड में की लगाए रहते तो इतना नहीं करना पड़ता, एक ही बार में हम दोनों साइड की लगा लेते हैं फिर एडजस्ट करते हैं, तो इतना नहीं करना पड़ता। ये देख सकते हो गया, 900 पे मैंने रखा, तो ये हो गया, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है और इधर थोड़ा सा दिख रहा है गाइस, तो हमें दिखना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं पे, ठीक है। तो आगे की तरफ करेंगे और जहाँ पे दिख रहा होगा वहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा घटाकर हम ढक देंगे इसे, कहीं पे भी हमें दिखना नहीं चाहिए, ट्री वगैरह जो लगा हुआ है ये सारा चीज़ अंदर में रहना चाहिए, ऊपर इसके नहीं आना चाहिए, ठीक है। इतना पे हो गया, फिर थोड़ा सा आगे जाकर देख लेते हैं, कहीं तो नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। जहाँ पर यह दिखेगा तो HDR इफेक्ट आपको वहाँ पर नहीं लगेगा, तो इसलिए इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर हम डाउन किए हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीट हो गया, परफेक्ट यहाँ पे भी हो गया। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे गाइज और यहाँ पे फिर से हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना, पूरी तरह से बैक आ जाइएगा, ठीक है। नीचे तक स्क्रॉल कीजिएगा, सबसे लास्ट में आ जाइएगा, लास्ट में आने के बाद यहाँ पे 4K HD दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, इफेक्ट में जाइए, 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी फिट कर लीजिएगा, देन यहाँ से बैक आ जाइएगा, ऊपर वाले पे आ जाइएगा, इसे सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाइएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिएगा, इफेक्ट हमारा पेस्ट हो गया। अब एक काम कीजिएगा, यहाँ पे सॉन्ग जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है वीडियो में ही आपको सॉन्ग मिल जाएगा, तो प्लस का क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, मीडियम जाने के बाद आपको गाइज क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हूँ मैंने ये वाला वीडियो, तो इस वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर दूसरा कोई वीडियो आप लेना चाहे तो उसे भी ले सकते हो, तो इसे सिलेक्ट कीजिएगा, 3 डॉट पर क्लिक करके एक्सेक्ट ऑडियो कर लीजिएगा और इस वीडियो को यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, उसके लिए इसे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इस वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है, वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई, उसके बाद वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इस तरह का कंटिन्यू एडिटिंग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।